Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कबूतरों को लक्ष्मी जी का प्रिय माना जाता है। अक्सर घरों में कबूतर अपने घोंसले बना देते हैं। वहीं ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो कबूतरों का घर में आना या घोंसला बनाना शुभ माना गया है। कबूतरों को दाना खिलाना हर किसी को बहुत ही अच्छा लगता है। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह सुबह कबूतरों को दाना खिलाते भी हैं, लेकिन अगर ये कबूतर घर में घोंसला बना ले तो लोगों को परेशानी होने लगती है। कबूतर अक्सर घर की बालकनी में या बाहर की तरफ किसी कोने में अपना घोंसला बना लेते हैं, जबकि इनकी बीट से घर बहुत गंदा भी होता है और यही वजह है कि लोग अपने घरों में कबूतरों को घोंसला बनाने नहीं देते हैं या फिर भगा देते हैं। अक्सर लोग ऐसा भी मानते हैं कि कबूतर का घर में घोंसला बनाना दुर्भाग्य का सूचक होता है, जबकि कुछ मान्यताओं की बात करें तो कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना गया है, जिसे देखते हुए कई लोग कबूतर का घर में आना शुभ मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कबूतर घर में घोंसला बना ले तो इससे परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है, जबकि वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कबूतरों का आना अशुभ संकेत होते हैं, इससे घर परिवार की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में अगर घर की बालकनी, छत के पास या अन्य जगहों पर कबूतर अपना घर बना ले तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, वरना परेशानियां आने लगती हैं। कबूतरों को दाना खिलाना पुण्य का काम होता है। साथ ही साथ ऐसा माना गया है कि अगर पक्षियों को दाना खिलाते हैं तो कई तरह के ग्रह दोष भी खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों में कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि कबूतरों को दाना खिलाने के लिए कभी भी अपनी छत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी कहते हैं कि घर के छत पर कबूतरों को दाना न डालकर आंगन में डालना चाहिए। वहीं ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से बुध और राहु ग्रह के दोष ठीक होते हैं। कबूतरों को दाना खिलाने से कई तरह के बीमारियों से मुक्ति भी मिलती है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। परिवार में कलह की स्थिति नहीं होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति खराब होती है तब भी कबूतरों को दाना जरूर खिलाना चाहिए। माना जाता है कि अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो किसी कबूतर को पिंजरे से आजाद करने से लाभ मिलता है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।